शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत से भाजपा में जश्न का माहौल, आज मुख्यालय पर होगी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जैसलमेर दौरा रद्द, दो दिवसीय प्रस्तावित था दौरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी देख रहे थे तैयारियां। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए जारी की गाइडलाइंस, SDM ने जनप्रतिनिधियों और पुलिस के अधिकारियों को दिए निर्देश। 6 नगर निगमों में उपमहापौर का चुनाव आज, जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस ने उतारा मुस्लिम प्रत्याशी, जयपुर ग्रेटर से भाजपा ने उतारा पुनीत कर्णावत को। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। बिहार की जनता ने NDA को पूर्ण बहुमत दिया है, वहीं गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसे लेकर भाजपा मुख्यालय में जश्न की तैयारियां हैं। शाम को 5 बजे JP नड्डा तो 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। वहीं बिहार चुनाव में NDA की जीत दर्ज करने के बाद पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं। NDA गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पोस्टर्स में बिहार वासियों को धन्यवाद दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान दौरा रद्द हो गया। राहुल गांधी आज निजी दौरे पर जैसलमेर आने वाले थे। दौरे के रद्द होने के कारणों का पता नहीं चला है। राहुल गांधी के जैसलमेर दौरे के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। राहुल गांधी के रहने की व्यवस्था सम रोड स्थित होटल सूर्यगढ़ में की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की ये तैयारियां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की देखरेख में चल रही थी। उनका 2 दिन का दौरा प्रस्तावित था। बिहार चुनाव परिणामों को लेकर शिवसेना ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। शिवसेना का कहना है कि चुनाव में जिसकी हार हुई है वो बिहार सरकार यानी नीतीश बाबू की हुई है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि वर्ष 2015 में चुनाव में राजद महागठबंधन का हिस्सा रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। उस समय भी उन्हें गुमान था कि वे ही बिहार की सरकार है, उनके बिना कोई बिहार में सरकार नहीं चला सकता। शिवसेना ने भाजपा पर जदयू का कद कम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के पहले ही लग रहा था कि नीतीश का कद कम करना ही भाजपा का असली गेम प्लान था। देश में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,281 नए मामले सामने आ गए हैं और 515 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के कुल 86,36,012 मामले हो चुके हैं। वहीं अब तक 80,13,784 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,27,571 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखकर गाइडलाइंस जारी की है। इसको लेकर कोरिया जिले के चिरमरी थाना परिसर में बैठक हुई। बैठक में SDM PV खेश, नगर पुलिस अधीक्षक PP सिंह, तहसीलदार मनोज खलगो, पार्षद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के बारे में सभी को बताया गया। शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो पटाखे फोड़ने के संबंध में है, पटाखे उपयोग के संबंध में है। इस समय दीपावली के लिए, छठ पूजा के लिए, गुरु पर्व के लिए, नववर्ष और क्रिसमस के लिए शासन ने पटाखा फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया है। और वही समय और कौन से पटाखे फोड़ने हैं, कैसे पटाखे को यूज करना है, इसके संबंध में जो दिशा निर्देश आया हुआ था मुख्य सचिव महोदय का, उसको हमने शांति समिति की बैठक में, हमारे जितने भी चिरमिरी के सम्मानित नागरिक हैं, पत्रकार हैं और पार्षद हैं, उनको हमने ये बातें बताई ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्डों में वहाँ के लोगों को इस बारे में जानकारी दे सकें। छठ पूजा और गुरु पर्व, क्रिसमस त्यौहार जो लगातार त्योहारें आ रही हैं, उनको लेकर के आज शांति समिति की बैठक हमारे SDM महोदय की अध्यक्षता में थाना चिरमिरी में आहूत की गई, जिसमें नगर के सभी गणमान पार्षदगण, सभी गणमान नागरिक, पत्रकार बंधु उपस्थित थे। उन्हें शासन के जो गाइडलाइन आया है, खासकर पटाखों के संबंध में, उस संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से जो पटाखों की दुकान है उनको एक निर्धारित, नगर निगम द्वारा निर्धारित जगह, खुले मैदानों में 6 जगह चिन्हांकित करके वहीं पर उनको लगाने का, साथ ही उनको एक व्यवस्थित तरीके से एक डिस्टेंस मेंटेन करके और वहां जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं वो सब रखे जाएंगे। मुंगेली के ग्राम मारुकापा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया।
अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने शिरकत की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नंद कुमार बघेल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संविधान को मिटाने का प्रयास कर रही है। आज जो हम है वह बाबा अंबेडकर साहब की बदौलत है। केंद्र सरकार एससी एसटी आरक्षण को लगातार खत्म करने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्रकार ने की। चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो और ये मोदी संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह नहीं सकता। तीन शहरों की 6 नगर निगमों में आज उप महापौर के लिए चुनाव होंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से पुनीत कर्णावट ने नामांकन दाखिल किया है। यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। ऐसे में पुनीत कर्णावट का निर्विरोध चुना जाना तय है। वहीं जयपुर हेरिटेज नगर निगम से कांग्रेस ने फारूक आफरीद को खड़ा किया है, तो भाजपा ने महेंद्र ढलेत को उप महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। वहीं जोधपुर दक्षिण से कांग्रेस की ओर से गणपत सिंह चौहान और भाजपा ने किशन लड्ढा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कोटा उत्तर से सोनू कुरैशी और दक्षिण से पवन मीणा को कांग्रेस ने उप महापौर का प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने कोटा उत्तर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। बिराई में भारतीय जीवन बीमा निगम क्लब ने मृतक अभिकर्ता के परिजनों को 1,22,036 रुपए का चेक सौंपा है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ उपखंड के कलावास गांव निवासी आशुराम मेघवाल की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता संपत राम कडेला ने बताया कि कलावास निवासी आशुराम मेघवाल ने LIC की प्रीमियम पॉलिसी ली हुई थी। हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम क्लब ने 1,22,036 रुपए का चेक मृतका की पत्नी रुकमा देवी को ग्रामीणों की उपस्थिति में सौंपा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।